हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज की ये वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे वो दोस्त जिनको पैसे खर्चना अच्छा लगता है शॉपिंग करना काफ़ी लंबा समय हो गया कि मैंने इस चैनल पे कोई हॉल नहीं की है एक्चुअली मेरे व्लॉग्स पर मैं चीज़ें शेयर करती रहती हूँ बाय द वे हम लोग व्लॉग मिस कर रहे हैं अगर आपने मेरे व्लॉग मिस के व्लॉग्स को मिस कर दिया है तो ज़रूर से देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले व्लॉग्स एंड वीडियोज़ को आप मिस नहीं करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारी एंड हेल्पफुल वीडियोज़ बनाती हूँ मैं ऐसा मेरा मानना है सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शी ग्लैम हॉल एक्चुअली मुझे नहीं लगता था कि मैं ये प्रोडक्ट्स खरीद दूंगी शीन की मैं बहुत ज्यादा बड़ी फैन नहीं हूं क्योंकि उनके कपड़ों की क्वालिटी ओके काइंड की है और मैं बिलीव करती हूं कि आपको कपड़े थोड़ी गुड क्वालिटी के खरीदने चाहिए एंड लंबे समय तक पहनने चाहिए ताकि हम यू नो यूज एंड थ्रो वाला मैथड अच्छी बात नहीं है हमारी धरती के लिए भी हमें क्यों लैंडफिल करनी अपने फालतू के कपड़ों से बट मैंने ना बहुत सारे लोगों से एंड मेरे दोस्त यहाँ यूट्यूब पे जो दोस्त हैं उनके रिकमेंडेशन पे कुछ प्रोडक्ट्स में ट्राई करना चाहती थी थी एक तो वो अफोर्डेबल है दूसरा आ, उन्होंने बोला कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मैं स्पेशली एक कंसीलर ट्राई करना चाहती थी जैसे आपको पता है मेरे चेहरे पे स्कार्स हैं एंड जब मैं मैंने मैंने मेरी दोस्त की वीडियो देखी कि कैसे वो कंसील कर रही थी सो आई वॉज़ लाइक वेरी एक्साइटेड कि आई हैव टू ट्राई इट सो उसके चक्कर में मैंने थोड़ी और चीज़ें खरीदी बहुत ज़्यादा बड़ी हॉल नहीं है छोटी है जल्दी से शुरू करते हैं सो बेसिकली हमने ये सारी शॉपिंग की है ये शी ग्लैम के कंसीलर के लिए दाय के लिए ओके okay, सो so ये है शी ग्लैम परफेक्ट स्किन हाई कवरेज कंसीलर एंड मैं कंफ्यूज थी दो शेड्स में गोल्डन एंड सैंड एक्चुअली गोल्डन एंड सैंड को मिक्स करके मेरा परफेक्ट बन जाएगा शेड मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे ये कैसे लग रहे हैं बट गायज इन्नी ज़्यादा हाई कवरेज है आ, लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा हाई कवरेज मैंने देखी थी वो डर्मा डर्माकॉल के हाई फाउंडेशन की कॉल के फाउंडेशन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ना कुछ साल पहले वैसा एंड दूसरा आ, जो एक हार्ड एंड कैंडी का एक हाई कवरेज कंसीलर होता था जो कि टैटू को भी कवर कर देता था ये उसी किस्म का है पर फिनिश बहुत ज़्यादा मज़ेदार एंड लूमिनस है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अभी कंसीलर को आप अपने स्कार्स को हाइड करने के लिए अंडर ड्राइज को हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन लगी मुझे तो मेरी तरफ से इसको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देना चाहूँगी मैं आप ज़रूर से ट्राई करें बहुत अच्छा है इस साइड पर हम लगाएँगे गोल्डन शेड अब देखिए थोड़ा ज़्यादा येलोइश है ये एंड दूसरा सैंड है जो मुझे लगता है कि मेरे चेहरे के साथ अच्छा मैच है बिकीज मैं थोड़ा डार्कर साइड पर ही फाउंडेशन लगाती हूँ के साथ मिक्स होकर थोड़ा ठीक हो जाएगा ये इसे मार्का फ्लैट ब्रश लेंगे ये ब्रशेस को ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप खरीदना चाहें तो डबिंग मोशन में हम ब्लेंड करेंगे पहले हम ब्लेंड करेंगे गोल्डन कलर वाली साइड मैंने एक बार कंसीलर लगाया अराउंड दस पंद्रह सेकंड के लिए आपके साथ बात की तब तक ये ऐसा कवरेज कोई भी कंसीलर इतनी अच्छी कवरेज नहीं देता है ये एक्चुअली हाई 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 कवरेज है अगर आप कोई अफोर्डेबल कंसीलर ढूंढ रहे हैं जो आपको इतनी अच्छी कवरेज दे यू शुड ट्राई दिस सो गुड आई मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि ये आप रोज पहने क्योंकि आप अपनी स्किन को ब्रीद करने दें पर अगर आप के पास जाने के लिए कोई स्पेशल इवेंट है जिस दिन आप अपनी चेहरे के स्कार्स को छुपाना चाहते हैं अगर आपके चेहरे पे मेरी तरह स्कार्स हैं तो आप ये कंसीलर ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल है छः सात डॉलर का है एंड कवरेज इज़ सी सो so, मैंने अगली चीज खरीदी है आई थिंकर लिप लाइनर खरीदे हैं मैंने एक मैंने उसमें से ट्राई करके देखी है वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड कंसिस्टेंसी काफी क्रीमी है एंड ग्लाइड ऑन हो जाता है ये चार शेड खरीदे हैं मैंने जो मुझे सबसे ज्यादा जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी उसका नाम था नॉट था है मोमो जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है ये जो मैंने मेरे लिप्स पे पहन के रखा है यही मैंने लिप शेड पहना है एंड ऑल्सो इसी नाम का मैंने लिप लाइनर लगाया है सो so, अच्छे प्राइस में मिल गए मुझे ये एंड मैंने चार लिप लाइनर खरीदे हैं क्योंकि लिप लाइनर्स यूज कर ही लेते हैं आप और जो मैंने शेड खरीदे हैं सारे ही न्यूट्रल किस्म के हैं दूसरों के नाम मैं आपको बता देती हूँ एंड मैं आपको स्वैच करके भी बता दूंगी तो है न्यूट्रल अगला है ब्रेजन एंड देन अगला है टोस्टेड एंड देन मेरा फेवरेट मोमोजो मोमोजो सो so, uh, उसी दोस्त की रिकमेंडेशन पे मैंने एक लिपस्टिक खरीदी है दो मैंने मेरी चॉइस से खरीद ली है उनमें से एक तो है मोमोजो जो मैंने मेरे लिप्स पे पहनी है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी पिंक है ब्राउन स्किन की लड़कियों को अच्छा पिंक ढूँढना इतना आसान काम नहीं है ये पिंक आप पे बहुत अच्छा लगेगा ज़रूर से ट्राई करें एंड दूसरा है मिलेनियर अच्छा प्यारा शेड है ये भी एंड लिक्विड लिपस्टिक्स हैं ये सारी बोल दिया है मैंने सो so, इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है डिसेंट है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट की जैसी एंड प्राइस पॉइंट से काफ़ी अच्छा है एंड देन तीसरा शेड है मेरे पास मिस्टी रोज उसको ट्राई करने के लिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बर्नड ऑरेंज किस्म का है एंड मुझे लगा कि मेरे लिप्स पे अच्छा लगेगा खोल के मैं आपको ना स्वैच करके बताती हूँ एंड एक और मैंने कलर कंसीलर ख़रीदा है शी uh, ग्लैम का इसका नाम है मैजिक कलर करेक्टर कंसीलर जो शेड मैंने ख़रीदा है वो पीच uh, क्योंकि जो ऑरेंज है वो चेहरे को ज़्यादा ही ऑरेंज कर देता है एंड ऑलिव स्किन पे पीच शेड ज़्यादा अच्छा कलर करेक्ट करता है सो so, ये अभी मैंने ट्राई करके नहीं देखा है मैं नेक्स्ट uh, कोई वीडियो बना दूंग ओके सो इसकी पैकेजिंग भी लिप शेड के जैसी ही है एंड बहुत ज़्यादा पीछी पीच नहीं है ये थोड़ा लाइट किस्म का ही आई डोंट नो ये कैसा कंसील करेगा वैसे कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है थिक है आई डोंट नो ये पीची नहीं है एक्चुअली ये हाई के लिए अच्छा रहेगा टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा लेटर मैं आपको दिखाती हूँ दो और चीज़ें खरीदी हैं मैंने एक तो मैंने ब्लश ख़रीदा है ये ब्लश है मी स्वीट पाउडर ब्लश एंड शेड का नाम नहीं है नंबर है जीरो ट्वेंटी फाइव बहुत ही प्रटी पीछी किस्म का शेड है मैं आपको ना मेरे चेहरे पे लगा के बताती हूँ क्योंकि जो मैंने ये ब्लश लगा के रखा था वो ऑफ़ हो गया है एंड जब भी मैं ब्लश लगाती हूँ ना मैं ब्रश पे प्रोडक्ट लेके इसको एक्सेस को उतार देती हूँ ताकि मेरे चेहरे पे ज़्यादा नहीं लगे शीशे पेपर लगा है स्किन सी बहुत ही प्यारा पीची ब्लश है मुझे ना अब ज़्यादा जो सस्ते किस्म के प्रोडक्ट आते हैं क्वालिटी के लिए शक नहीं है मुझे क्योंकि ड्रग स्टोर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मैं पहनना पसंद करती हूँ जैसे वेटन वाइल्ड एन ये सारे भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की मैं फ़ैन हूँ बट जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड प्रॉब्लमेटिक है एंड मुझे डर लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ मेरे चेहरे पे मत लगाऊँ जिससे दोबारा से वो सारा एग्रीवेट हो जाए सो so, इसलिए मैं शीगलाम लगाने से डर रही थी वैसे मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ड्रग स्टोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की एंड आई थिंक वन लास्ट चीज़ है ये पाउडर फाउंडेशन आपको पता है कि मुझे मेरे मेकअप को सेट करना अच्छा लगता है पाउडर फाउंडेशन के साथ एंड ये है शी ग्लैम का स्किन फोकस हाई कवरेज पाउडर फाउंडेशन एंड मैंने इसका यू uh, नो you know, uh, वो देखा somebody के टेस्ट्स मैंने इसकी ना एक रिव्यू देखा था आई थिंक शॉर्ट्स में एंड उसने ये जब प्रोडक्ट लगाया उसके सारे स्कार्स कवर हो गए सो so, मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए पैकेजिंग बड़ी लग्जरी है सॉफ्ट बैग में डाल के दिया है उन्होंने लाइक हाई एंड मेकअप के जैसी पैकेजिंग है ओके okay. आपको पता है मुझे मेरे मेकअप को सेट करना अच्छा लगता है पाउडर फाउंडेशन के साथ यूजली मैं कौन कौन से यूज़ करती हूँ तो सिफोरा का पाउडर फाउंडेशन मेरा फेवरेट है एंड देन मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन या फिर अफोर्डेबल में मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल का इन्फेलेबल पाउडर फाउंडेशन जो सब कुछ कवर कर देता है आई डोंट नो ये कव ओके बटर स्कॉच कलर लिया है मैंने लेट्स कि ये मेरे चेहरे पे कैसा है मेकअप पहन के रखा है फिलहाल मैंने ये सिमॉर का ब्रश लेंगे सिमॉर के ब्रशेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे पास मेकअप ब्रशेस की किट है जिसमें सारे ब्रशेस हैं जो आपको अपनी मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए चाहिए ज़रूर से देखें तो ये ब्रश लेके पाउडर लेने हैं वैसे आप ना उस उससे भी कर सकते हैं क्या बोलते हैं शीशा नहीं है गाचे शीशा ओ है ओ एक्चुअली इसमें बहुत प्यारी सी स्पंज भी है शीशा भी है शीशे के ऊपर ना उन्होंने बहुत अच्छा सा वो पेपर लगा के रखा है ओके नहीं बहुत चल रहा सो हम इस पफी पे लेंगे प्रोडक्ट एंड गर्दन पे टेस्ट करते हैं इसकी कवरेज एंड इसका शेड सो so, मैंने शेड लिया है बटर स्कॉच इट्स अ वेरी नाइस मैच मैन इट्स अ वेरी गुड मैच थैंक गॉड यार फेस के प्रोडक्ट कंसीलर फाउंडेशन ये मुझे ऑनलाइन लेने से इसीलिए डर लगता है कि आपसे मैच नहीं होगा क्योंकि कौन वापस करेगा स्पेशली ये शी उनके के चाइना में भेजेंगे वापस इसमें चंगी रहेगी भाव वो और काफ़ी अच्छी कवरेज भी है केम आई एम इम्प्रेस्ड अभी वैसे मैंने मेरे चेहरे पे ना मेकअप करके रखा है तो मुझे कलर का बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा पर फ्यूचर में ना हम वीडियो शूट करेंगे जिसमें सिर्फ यही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो पता चलेगा बट सो तो फार मुझे अच्छा लग रहा है नहीं तो अगर डार्क हो ना तो दिखना शुरू हो जाता है पर मैं ये क्लोजअप शीशे से देख पा रही हूँ अच्छा मैच है एंड कवरेज भी मुझे अच्छी लग रही है एंड या गई स्किन से आप गर्दन पर मेरे देख नहीं पा रहे हैं आई मीन मेरी स्किन भर गई है सो so yes यही प्रोडक्ट खरीदे हैं मैंने एंड uh, सारे प्रोडक्ट्स मुझे तो लग रहा है अच्छे हैं कि लिप शेड मैंने ट्राई करके देख लिए हैं दो लिप लाइनर भी बहुत अच्छा लगा मुझे कंसीलर भी मैंने ट्राई करके देख लिया है ये लिपस्टिक्स हैं ट्रांसफ़र प्रूफ हम लोग टेस्ट कर लेते हैं एंड एक्चुअली ये नहीं रिमूव हो रही हैं पाउडर फाउंडेशन से भी मैं हैप्पी हूँ एंड uh, या अगर आप वो ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर से ख़रीदें एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पॉपुलर हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको ट्राई करके बताऊं तो आप कमेंट बार में छोड़ना मैं उसको ख़रीद खरीदूँगी टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं मुझे ये मिस्टी औरेंज किस्म का कलर बहुत अच्छा लगा इसको ना मेरे लिप्स पर ट्राई करते हैं इसके ऊपर ही कर लेते हैं इट्स लाइक बर्नड और कलर वो इट्स एक्चुअली अ वेरी शेड तो so, ये शेड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है एक्चुअली आई डोंट नो ये इसका रियल शेड है या नहीं बिकेज़ मैंने नीचे पिंक लगा के रखा था पर जो भी एंड रिजल्ट है मुझे अच्छा लगा मे बी इसको मैं पिंक के साथ मैच करके लगाऊंगी या फिर अलग से टेस्ट करूंगी पर ये मेरे हैंड पर जहाँ पे मैंने स्वैच किया है ना यार स्वैच ही दिखाने बड़े औखे हैं यहाँ पे भी मुझे ये अच्छा लगा था क्योंकि आज तक मैंने कोई वीडियो देखी मेकअप की इंडिया का कोई प्रोडक्ट था किसी के मेक लिप वाचेस देख रही थी मैं एंड आई डोंट नो ब्रांड का नाम क्या है और उसमें एक गर्ल ने ऐसा शेड दिखाया और मेरा बहुत मन किया कि मैं भी ऐसा ट्राई करूं पर वो इंडिया का कोई एक्चुअली मैंने ना मेरे मैकबुक में उसकी नोट्स बनाए थे उस प्रोडक्ट के शायद इसमें दिख जाए नहीं दिखेगा शायद दिख जाएगा ओह दिख रहा है कुछ तो दिख रहा है आ, कोई इंडिया का ब्रांड था मेरा बड़ा मन किया कि मैं ये लिपशेड ट्राई करूँ तो मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया तो पता चला कि वो यहाँ पे डिलीवर नहीं हो सकता है या तो कोई मेरा दोस्त मित्र मुझे इंडिया से भेजेगा या फिर जब मैं जाऊँगी तभी लेके आऊँगी पर यहाँ ये लिपशेड्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे ओके okay, स्वैच्स so तो so, आज की वीडियो के साथ बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बार में अपना कोई सा भी प्यारा वैल्यूएबल कमेंट जरूर से छोड़ना मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थैंक यू सो वेरी मच गाइस आई लव यू बाय बाय